नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और घोड़बंदर ठाणे मुंबई महाराष्ट्र में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे नाराजगी पे या दुखों के बारे में। क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बात को लेके नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। तो हम क्यों नाराज होते हैं और क्यों दुखी होते हैं? छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कि किसी ने हमारे मन के विरुद्ध कुछ कर दिया, हमें पसंद ना हो ऐसी बात बोल दी, हमें जैसा चाहिए था वैसे किया नहीं, या हमें जैसा पसंद है वैसा किया नहीं, या मेरी बात सुनी नहीं। ऐसे अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, हम नाराज़ होते हैं और फिर वो दुख और नाराज़ी लेके बैठ जाते हैं और उसकी वजह से फिर हमारा तनाव बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और फिर हमारे शरीर में, हमारे दिमाग को उसकी वजह से तकलीफ होती है। तो हम दुखी ना हो, नाराज ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए जनरली हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो पूरी तरह वो चीज़ को जैसी है जो है वैसा एक्सेप्ट करो, जैसा भी है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से, एक पर्टिकुलर वातावरण की वजह से, एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से नाराज रहते हैं और फिर वो उस वातावरण के लिए, उस इंसान के विरुद्ध झगड़ते रहते हैं और वो झगड़ने की वजह से उनकी तकलीफें, उनकी दुख, उनके नाराज़ी बढ़ते जाती है। अगर वो चीज़ को हम एक्सेप्ट कर ले, वो वातावरण को, वो इंसान को एक्सेप्ट कर ले कि ये व्यक्ति, ये वातावरण, ये चीज़ ऐसे ही रहने वाली है, ये बदलने वाली नहीं है, बदलना मुझे है, तो फिर हमारी दुख तकलीफ कम हो जाएगी और हमें जो तकलीफ हो रही है उससे हम बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझौता करें, समझौता अलग चीज़ है, लेकिन हमें हमारा दुख कम करने के लिए एक्सेप्ट वो चीज़ को करना है और फिर उसमें से निकलने की कोशिश करनी है। फॉर एक उदाहरण के तौर पे, काफ़ी ऐसी फीमेल्स आती है जो बहुएँ हैं और अपनी सास से नाराज़ रहती है, हर चीज़ में दुखी रहती है, या ससुराल वाले लोगों से, ससुराल के लोगों से दुखी रहती है। मैं उन्हें यही सलाह देती हूँ कि जैसा है वैसा एक तो एक्सेप्ट करो तो ही उसमें से आप सुखी रहोगे, और नहीं तो फिर ये पूरी तरह छोड़ दो। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो फिर आप इसमें से निकलने के लिए कुछ और तरीके अपना सकते हो। अगर आप उससे झगड़ते ही रहो तो उसमें से आप निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा यानी कि उसे पूरी तरह नकारो, उसे नो कह दो कि नहीं करना है मुझे ये चीज़। उसकी वजह से भी आपकी नाराज़ी, आपकी दुख तकलीफ़ कम हो जाएगी। एखादे व्यक्ति की वजह से अगर आप दुखी हो, एखादे वातावरण की वजह से दुखी हो, एखादे चीज़ की वजह से दुखी हो और आप समझ रहे हो कि ये चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है, तो उस चीज़ को अपने से दूर कर दो, उस चीज़ को नहीं बोलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हो और आपका बॉस, आपके कलीग, उनके वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, आपको बहुत दुखी वो चीज़ कर रही है, वो वातावरण कर रहा है, तो जॉब छोड़ दो। उस वातावरण से, उन लोगों से झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए एक तो चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो पूरी तरह नकारे, यानी आपका स्ट्रेस, आपके दुख और नाराज़ी दूर होगी। नहीं तो फिर हम उस वातावरण से ही झगड़ते रहेंगे और हमारी उन्नति वहीं रुक जाएगी, हम उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, हम कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम नाराज़ होना, दुखी होना ये छोड़ के उस माहौल से, उस व्यक्ति से या फिर उस चीज़ से बाहर कैसे आए, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। इस वीडियो से मेरा उद्देश्य था कि आपका स्ट्रेस आप कैसे कम कर सकते हो, इसके बारे में सोचना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस के माध्यम से जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से लाभ हो। नमस्ते।